ये क्या ऑर्डर ला, ऑर्डर ला, ऑर्डर ला ओए। थैंक यू मेरी जान। ये रही जी हमारी सवारी, इधर मैं इस पे जाएंगे अब घर। रामलाल सरकार है, रामलाल। गाड़ी का है, थोड़ी देर वेट कर लें, तीन चार दिन आपको अच्छी गाड़ी ढूंढूंगा इंशाल्लाह। वो भी दे दी। बाग बाग अंदर क्यों चले जाते हो यार माजी? यार क्या करूं, दूर वो भी लेके आ गया, रिक्शे में आया तो आ जाएगी वापस, क्या हो गया? रिक्शे में बंदे नहीं आते। गाड़ी आ, मेरा दिमाग ना खराब कर, तेरी बड़ी मेहरबानी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। बहुत ही खुशगवार सा दिन है और बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हमारे घर पे सुबह सुबह ही आ गए हैं। किया ले मैं प्यारा और नहीं पागल, तू नहीं प्यारा, तू और मैं तो नॉर्मल लोग हैं, जो प्यारे प्यारे लोग आए हैं उनसे मिलवाते हैं। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप अपनी रजब फैमिली को कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने बच्चों के लिए जैसे मेरे बच्चे चाहेंगे खुदा की कसम ऐसे ही करूंगी। मेरी बात सुने ना, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो आपके बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है वो अब्दुल सबूर वाले व्लॉग के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ना, मेरे पास कसम से अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं दिल खोल के दिखा सकती ना, कसम से तेरे दिल से अपने बच्चों का शुक्र। दिल खोल के दिखा सकती, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। देखो ना, जब कोई बच्चा अपने माँ बाप का मान रखता है, जन्मन, जन्मन, जन्मन। कसम खुदा की बड़ी अजीब कसम की खुशी बंदे को मिलती है। जब मेरे बच्चों ने मेरा मान रखा ना, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं अपनी बेटी को, अपने बेटे को कैसे उनका शुक्र अदा करूँ? क्या ऐसी दुआएं दूं जो सारी उनको लग जाए? और अल्लाह पाक उसको भी हिदायत दे जिसने मेरा इतना दिल दुखाया कि मेरे सईद बादशाह से बदनी ली। अल्लाह पाक उसको भी हिदायत दे, बेशक। अल्लाह पाक उसको भी हिदायत दे। बस और मेरी बात सुनने, मैंने सुना आज आप फ्री का खाना खा रहे हैं, क्या चक्कर है? बेटी है। हाँ जी, ये वो सगेदादी हैं जिन्होंने मेरे निकाह पे एक गाना बना के दिया था। ना कोई चैनल है, ना कोई सोशल अकाउंट है, ना कोई लालच है, एक पिक्चर तक नहीं लेती, सिर्फ प्यार करती है। ठीक है ना, वो आज नाश्ता बना के लाई है जी। क्या क्या लेके आई है मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जरा चूको भाई जान, चूको। ये क्या है? दसना दिखाता हूँ। ये क्या मजी? चिकन? ये कढ़ाई बनी उन्होंने। ये कढ़ाई है जी, ये क्या है? ये चाय है। और ये आए तक बर्तन तक साग बोतल तक से। अच्छा, आप भी लोग यहीं पे हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर ही हैं, टिश्यू भी ले गई हैं, चम्मच भी ले गई हैं। की गल है, असी नांगे हैं? नहीं नहीं, वो उनका दिल था कि आपके पास टाइम होता आप आते नहीं हो, तो मेरा दिल था मैं अपनी माँ के लिए खाना बनाऊं। मैंने कहा मैं वहाँ जाके करती हूँ, हम भी खाते इकट्ठे मिलकर। क्या बात है, व्हाट आर थिंकिंग? कोई शाउट आउट नहीं, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, नाश्ता करवा दिया आप ही ने। ये होता है सईदों का कमाल, सगेदादी है वो, और वो कैमरे में नहीं आती। ठीक है, बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम आप ही, थैंक यू सो मच, नाश्ता बहुत मजे का आज मैंने किया नहीं। व्हाट्सएप? हां जी, की हाले? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत ही औखा व्हाट्सएप, इंतजार कर रहे हैं, नाश्ते को सामने रखवा के। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने बात की थी प्यारे प्यारे लोगों की, उन तक मैं अभी नहीं गया। ठीक है, क्योंकि आप और मैं, हम लोग तो रेगुलर है ना, रेगुलर बेसिस डेली आते हैं। ठीक है, जो कभी कभी आते हैं वो प्यारे हैं। ठीक है, देखो है प्यारा है तू, प्यारा है तू, दिल का प्यारा है। नहीं नहीं, शक्ल का भी प्यारा है। सरकार की आले, ठीक ठाक। ये परसों मेरे पापा वगैरह से रोमियो है आप, मैं कहा मेरा ख्याल है तो अपना प्यो भूल गए हैं। इसको जरा बताएं, बेगम बेगम से प्यार करना जो है ना वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा जी, हम लोग नाश्ता करने से पहले पहले साहब जी से कुछ सुनेंगे, फिर नाश्ता शुरू करेंगे। साहब जी सुना दे कुछ, जरा दो लाइनें सुना दे, दो लाइनें कुछ भी सुना दे बेगम के लिए। हाँ जी, बेगम के लिए। खामोशी खामोशी, बेगम सामने सामने बैठा लो। दरअसल आप सामने बैठे ना, गाना याद नहीं आ रहा उनको, नोहे याद आ रहे हैं उनको, आप साइड पे हो जाओ। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी। ओ हो 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 हो, रखो शर्मा गई। ओ हो 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 हो, बट सब कहते रहो अच्छा लगे। वाह 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 वाह, साला अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ओ कदी हां, बट सब आवाज सुना दे, अब आप सुना दे। मैं तो मैं कहते हैं लगभग सारी जोड़ियां इस तरह की हो। हाँ जी, एक दूसरे से प्यार करते रहे। अच्छा, इस साइड पे आप ही उनके बच्चे बैठे हैं, वो लोग कैमरे में नहीं आते। हम खाला को सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
बड़ी खूब लगती हो। और वन मोर स्पेशल गेस्ट मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और मैं तो भूल ही गया था। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है प्रैंकस्टर गजल, क्या हाल है? ठीक हो यार? मेरी बात सुनो, हमने सुना तुम जल्दी उठना स्टार्ट हो गई हो। माशाल्लाह टी शॉर्ट बता रही है, पौना एक हुआ तुम उठ गई हो। खैर है, माशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कदम बढ़ाओ ना, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ ना, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे भी कोई होश मत नहीं है। इधर देखो क्या कर रही हो। अच्छा जी, दस्तरखान लगा हुआ, नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करके आपको आज के व्लॉग का सीन बताते हैं, जो कि बहुत ही मजे का है। मेरी जान हैदर भी तब तक आ जाएगा, गया हुआ गाड़ी लेके कुछ काम से आता है, तो आपको व्लॉग का सीन बताते हैं। फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं। चलो भाई बिस्मिल्लाह जी, सब मेरी वजह से इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे आवाज आ रही है किसी की, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं तेरी बात कर ही रहा था, अभी नाश्ता नहीं शुरू किया। आजा नाश्ता कर ले फिर निकलते हैं। बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर आजा आजा आजा, जल्दी का जल्दी का, खाना सारा खा लिया जी, निकलते हैं। हाँ जी मम्मा जी, आज मुझे मत रोकना ना, मेरे से कुछ पूछना, बहुत बड़ा मिशन है मेरा आज। क्या मसला? डेढ़ बज रहा है, ठीक है, मैं चार बजे तेरे पास हूँ। फिलहाल मुझे मत रोको और ना मेरे से पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताना नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बहुत बड़ा यार, आई एम कमिंग। बाय बाय। ओके बाय। जा हरिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? कब आए आप लोग? कैसे बच्चे? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो बाहर क्यों बैठे हैं? अंदर जाना था मेरे ख्याल से। हाँ वो मेहमान वगैरह आए हैं सारे, बीबियां अंदर हुई आने। हुक्म करें, कुछ खाएं पिएंगे? बहुत शुक्रिया, ऑर्डर लगाएं। अच्छा रजत भाई, एक चीज पे आपसे बात करना चाह रहा था। एक न्यू कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं इस रमजान के अंदर, रिलीजियस कोर्स है। और रिलीजियस कोर्स? हाँ मतलब ऑनलाइन कोर्स रमजान के अंदर। हाँ यार पता मैंने ना यार की हो गया। अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, कम करें? अच्छा एक तो आपको कहने आया था कि आप खुद भी स्टार्ट करें उसको। अल्लाह की कसम करवा दूँ, मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं जाऊँ, दो तीन घंटे मदरसे में दिया करूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाता। तो अगर ऑनलाइन हो सकता है तो मैं 100% अवेलेबल हूँ, करवा दें। तो रजब भाई, ये ऑनलाइन कोर्स बना हुआ है, मोबाइल पे लैपटॉप पे किसी भी चीज पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और इसमें अगर अच्छी पोजीशन हो तो इसके लिए इराक में, ईरान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर वहाँ पे एडमिशन का भी होता है और विजिट का भी होता है। जबरदस्त माशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारा बन रहा है कि हरम हजरत अबुल फज्ल की तरफ से इन गर्मियों के अंदर विजिट का, तो जिन बच्चों की इसमें अच्छी पोजीशन होगी वो उसमें जाके तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबरदस्त। तो ये कैसे, अगर आपसे सीखना हो, कोई ऐप है या कोई आपका चैनल है जहाँ पर जाके देख सकते हैं, मेरी ऑडियंस देख सके, कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, बड़ा सिंपल के mu.edu.pk, उस पर जाके फॉर्म फिलअप करना होता है और उसके बाद वो किसी भी चीज पे स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। mu.edu.pk पर जाके आप लॉग इन कर सकते हैं, वहाँ पर फॉर्म रजिस्टर करें और जो भी आपने स्टडीज करनी है वो आप कर सकते हैं। और मैं इनका बता दूं, ये अपने शवाब भाई के छोटे भाई, बड़े भाई ना, हाँ बड़े भाई शौजब भाई, और ये ईरान में होते थे और इसी चीज की स्टडी करते थे। उसके अलावा आप प्रेस में भी थे ना, आई थिंक न्यूज चैनल में थे किसी में। बहुत शुक्रिया भाई जान, थैंक यू सो मच मेरी जान, लव यू। रमजान के अंदर तो एटलीस्ट हम लोग पढ़ ही सकते हैं, इधर उधर की जो मसरूफियात है उनको साइड पे करके रमजान में इस्लामिक स्टडीज बहुत जरूरी है। थैंक यू भाई, लव यू मेरी जान। बच्चे ठीक है? बहुत सलाम देना मेरा, थैंक यू। चलो थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। चलिए भाई, चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा जी अब आपको आज के व्लॉग का सीन बता देते हैं। अम्मा गजल किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है कि मैं जा रहा हूँ हमारी नई गाड़ी खरीदने, रजब फैमिली की न्यू कार लेने जा रहा हूँ। अच्छा हाय हाय। अच्छा जी एक बात आपको बता दूं, जिस चीज के आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए थे ना, बहुत ज्यादा कमेंट्स, वो मैं नहीं ले सका। क्यों नहीं ली आपको वहां जाके बताता हूँ, कौन सी ली है ये भी आपको वहां जाके बताता हूँ। ली है ना वो, आए आए गाड़ी भाई, कसम से इस बंदे की फेवरेट गाड़ी है, मैंने इसलिए ली है। उसके बाद जो मेरी अम्मा को पसंद है उसके अंदर वो प्लस पॉइंट है, इसलिए ली है। ठीक है भाई जन, ओके हो गया, अभी चलते हैं जाके आपको गाड़ी भी दिखाते हैं, गाड़ी की पेमेंट करते हैं, पेमेंट शेमेंट करके गाड़ी लेके हमने घर नहीं आना, एक और जगह पे जाना है, वो भी सरप्राइज है आपके लिए। क्योंकि भाई जन महंगी गाड़ी है, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई, यार रहने दो कितने की है ये आपको बाद में बता देंगे, बता दूंगा, मुझे कोई ढकी छुपी बात करने की आदत नहीं है, बता दूंगा। तो उसकी जरा केयर करना जरूरी है, तो हमने वहां से गाड़ी लेनी है, एक शोरूम से दूसरे शोरूम लेके जानी है, वहां पर छोड़ के आनी है। शायद गाड़ी आज ही मिल जाए तो आज ही अम्मा को सरप्राइज दे देंगे, अगर गाड़ी कल मिलेगी हमें यस पैस होके तो फिर हम सरप्राइज अम्मा को और गजल को
कल देंगे इंशाल्लाह। रोकड़ू कहाँ से आना है? रोकड़ू रोकड़ू कहाँ से आना? हाँ रोकड़ू तो जरूरी है, टेंशन नहीं लेनी। अभी संडे पे ऐसे पकड़ो क्या ये क्या पैसे की टेंशन ही लेनी, ये ले ठीक है। ओके बैंक बंद है, बैंक खुला है, पैसे तेन मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी भाई। ये परसों से गाड़ी में पड़े हुए, तीन दिन तो मैं गाड़ी चला रहे, परसों से गाड़ी में पड़े हुए यार। तीन दिन से पैसे सीट के नीचे पड़े हैं और ये गाड़ी चला रहा है, इसको पता ही नहीं। सही बताओ यार, अल्लाह की कसम, तीन दिन से गाड़ी रखे हुए थे सीट के नीचे। सारों को बता दो ताकि अगली बारी हूं मैं हर बारी थोड़ी लगाऊंगा सीट के थले, मैं पागल हूं। बैंक में पड़े हुए थे, मुझे पता था बैंक बंद हो जाने, इसलिए मैंने निकलवा के सीट के नीचे रखे हुए थे। तुझे बता देता तू गाड़ी चलानी थी, डरते मारे भाई। ये पहले कोई ये अपना मेरा ख्याल पेमेंट पूरी हो जाएगी है ना, हमने गाड़ी अपनी दे दी उनको, बकाया पेमेंट ये है, देते हैं जाके गाड़ी पिक करते हैं और आपको दिखाते हैं गाड़ी कौन सी ली है। चलो जी आजा भाई, आजा गाड़ी खड़ी कर दे। आबल भाई गाड़ी ले लो, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, तुम्हारी भी बहुत याद आएगी, चार पांच दिन अच्छे गुजरे तुम्हारे साथ, बाय बाय, टेक केयर। चलो अस्सलाम वालेकुम जी यंग मैन, कैसे हैं आप? तुम्हें ठीक है? आप माशाल्लाह पहले ही प्यारे हैं, फिर कंगिया भाई जा रहे हैं यार, की करिए यार, कंगिया वहां की लोड सानू है, टोपियां पा के कवर करी अपनी टेंडर सी भाई, असि भी तो अपनी उम्र छुपानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह तुसी उम्र चोर जे हों जी, जबरदस्त ठीक है ना। अच्छा माजरत, चार पांच दिन लेट हो गया, मैं थोड़ा सा महसूस चल रहा था, कुछ हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे क्या लेना और क्या नहीं लेना। कोई मसला नहीं, आपके लिए कार्टून के दरवाजे खुले हैं, जो आप डिसाइड करेंगे वही आपको। लव यू लव यू। तो यार वो मैं कल गया हुआ था कहीं, तो मुझे फोन आ रहा था, वो क्या सबूर के अब्दुल सबूर, आपको किस पता है सबूर है का खबूर है, लेकिन वो मैं आपको एक बात बताऊं, वो है किससे, निचली सतह का कीड़ा है। छोड़ दें बस, मैंने तो उसका नाम डाला, मैंने उसे मैसेज भी किया था, बेटे आप ऐसे ना करें। हाँ। मैंने बेटा कह के आपको किसका फोन आया? फोन नहीं, मैंने उसे उसके विलोक का मैसेज किया था, अभी बेटे आप ऐसे ना करें, आप अच्छे इंसान है, अच्छे माँ बाप की औलाद है, लेकिन वो किसी नीची सतह का कीड़ा है। बैठो, गुस्सा नहीं करना, बैठो। अच्छा जी बाहर निकल के आपको गाड़ी भी दिखाते हैं, जूस जूस अंकल ने मंगवा लिया, हमने पी लिया, लेकिन जूस दे पैसे मनु पाने नहीं, हुण काम शुरू होने लगा बारगेनिंग वाला। डीलर ने कहे कपड़े वाली दुकान ते जांदे हो तुहानू बोतल पिवांदा है। हां जी वो अपने पलू पिवांदा है। आए बोतल दे पैसे कटदा, बोतल दे पैसे मतलब तुसी ये तीन जूसा दे पैसे मेरे तो कट रहे ने। ओए ओए किहड़ा ग्राइंडर बजा होया जरे अंदर, पी भी गया कितने पैसे मैंने आपको साथ देने हैं, डिफरेंस मेरा जो है वो इस वाली गाड़ी में। अच्छा मैं आपको गाड़ी बाहर जाकर दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, जरा उसकी वो हो रही है, उसके कपड़ा छपड़ा चढ़ रहा है, ठीक है? तो ख्याल है आप 25 दे दे। ओके ठीक है 25 दे देता हूँ, साथ को महीना डेढ़ यहाँ पर काम भी कर लेता हूँ, क्या ख्याल है यार? फिर आपको फखर का शेर दो ना, फखर नहीं मैं अगर आपके शोरूम पे आ गया सफाई करने, फखर तीन सिगरेट पीता है। अच्छा तीन सिगरेट। अच्छा और गर्मियों में एक पाव सब्ज मरच खाता है। अच्छा मेरी बात सुने, वैसे मैं अगर आपके शोरूम पे काम करता हूँ, मेरा ख्याल 5 लाख देने की लोड़ नहीं फिर मैं टूरती फिरती प्रमोशन तक हो नहीं। तस्वीरों तस्वीर तस्वीरों दसो जेडे लैने जो दसो पैसे दसो यार आप ना 21 दे दे बस और हैदरे ब्लॉग बंद कर दे, कोई ब्लॉग नहीं आज तो बाद ब्लॉग बंद कर दे, कोई ब्लॉग नहीं आज तो बाद। थोड़ा मसला है, मैं ब्लॉग वास्ते गड्डी थोड़ी दे रही है यार, 21 लाख यार वो कहना को खुदा दा होफ करो 21 लाख। ओ भाई 25 वाला तो मजाक सी, 21 वाला सीरियस है। नहीं 21 लाख नहीं है, मेरे को है ही नहीं। चलो नहीं यार मैं केड़ा मांग रही हूं, अल्लाह ने देने। चलो थैंक यू सो मच, मेहरबानी शुक्रिया, अल्लाह वाला अल्लाह मेरे से दे पैसे यार। सही दसो यार मैं लेके आया मैं कैश यार, या अल्लाह रजब भट्ट नु ज्यादा ज्यादा अता फरमा इंशाल्लाह, ते आदे हबीब दे रजब भट्ट दे नाल नाल सारी रजब फैमिली नु अता फरमा, रजब फैमिली नु अता फरमा। हां जी और सारी रजब फैमिली कारजून ते आवे ते गड्डी एनजी चेंज इंशाल्लाह, या अल्लाह मेरी दिली ख्वाहिश है। हुन बस मनु एनजी दे दियो ना, वीजा दा हलूदा दे दियो मनु, बस ठीक है। अच्छा यार दसो पैसे यार गल मुकाओ, ताडी मेहरबानी दसो किन्ने पैसे आर्डर लाओ हूं जी, तुम गल करनी मैं कर देना अंदर ही जाओ, हले होर अंदर जाओ, हले होर अंदर जाओ, हले होर अंदर जाओ, किन्ने बस। अच्छा बैठो तो सही, 20 लाख रुपया बैठो तो सही, 20 लाख रुपया 20 लाख रुपया यार बैग खोल गया। अच्छा जी अंकल ने 20 लाख रुपए की लिल लगा ली है, ठीक है हमारे पास जो है हम वो दे देंगे। लो जी
ये इतने पैसे आप आज इतवार वाले दिन यार। भाई जान मैंने दो दिन पहले के कैश निकलवा के गाड़ी की सीट के नीचे रखे हुए पैसे सारे। यार ये आप बेवकूफी कर रहे हैं यार, आजकल हालात पता है। और सरकार जेड़ी रात कबर च बाहर नहीं है कोई। नहीं नहीं यार, अल्लाह ताला आपको 100 साल जिंदगी दे, ठीक है। ये आपने कभी भी अंधा गलती नहीं। ओके माय मिस्टेक। मैं दरअसल चाह रहा था कि मैं कैश दे के आपको गाड़ी लूं। मैं ये ना कहूं जी बैंक ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरी टीम ने पहले करवा दी थी। हैं पैसे रख के मुझे पकड़ाई गाड़ी। अच्छा गड्डी 3 दिन तो आज ला रहे रिवर्स थी, ठीक है। तो 3 दिन तो ऐसी सीट के थले 20 लाख रुपया भी आते, तेनू पता ही नहीं। ये बहुत ज्यादती है यार। ऐसे यार मैं इतना टूर करके आऊँ ना, मेरी जेब में सिर्फ 5 लाख रुपया था। आप ट्रांसफर करते हैं इधर, हाथ मारो जरा, हाथ मारो, बिस्मिल्लाह करो। लो जी 20 लाख अंकल ने क्या ज्यादा मैंने गैप नहीं रखा। अब भी अगर अंकल बात करें तो अंकल दिल तोड़ेंगे मेरा। नाल तोड़ने लाई जा रहे ने। नाल तोड़ने लाई जा रहे ने। आप डीलरों वाली बात है। अच्छा जंगल मारना जरा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। बस बस नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं है, मेरे को पेट्रोल के पैसे भी नहीं है, टैंकी तुसी खोल के रख देनी है। अंकल जी मैं और पैसे नहीं देने, मैं नहीं देने, मैं नहीं देने, मैं नहीं देने, मैं नहीं देने। इधर देखो मेरे, मैं नहीं देने, मैं नहीं देना। लख मेरे को लल्लवो, मैं गड्डी भी नहीं लेके जानी, मेरे को लख लल्लवो, मैं कसम खुदा दी नहीं देने, मेरे को 19 लाख ही है बस, ठीक है। इधर देख के स्माइल करके, इधर जरा क्यूट स्माइल, इधर देख के दिल तोड़ दिया यार। लो जी डन हो गया, आपके नसीब में हो किसी अच्छे जगह पे लगे। और अब चलते हैं बाहर, आपको गाड़ी दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि जिस चीज का शोर आप लोगों ने मचाया था वो मैंने क्यों नहीं ली और ये मैंने क्यों ली। चलो जी, ओहो क्या दिखा दिया, क्या दिखा दिया, मनहूस चेहरा ले आए हो। अभी डील डन हुई थी मेरी, ये क्या है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहा है। अच्छा जी मेरी बात सुने, मैंने आपको एक काम कहा था याद है, इसके हवाले से काइंडली वो कर दें, जैसे ही वो हो जाएगा वो आपको सरप्राइज दूंगा मैं और इसको भी सरप्राइज दूंगा, आपकी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा जी सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। आप लोगों ने बहुत शोर मचाया हुआ था, रजब भाई डाला ले लो, रजब भाई डाला ले लो ब्लैक कलर में, लेकिन डाला क्यों नहीं लिया। हैदर ने भी ड्राइव की थी याद है भाई, मैंने भी ड्राइव की थी डाले की। यार डाले में है ही कुछ नहीं है यार, सिवाय ये स्टेयरिंग के और सिवाय ये गियर बॉक्स के कुछ भी नहीं है, ना सनरूफ ना पैनोरामिक रूफ। 1 करोड़ रुपया अगर आपने किसी चीज का देना है तो उसके कुछ शशके तो बनते हैं ना भाई, के नहीं बनते, ठीक है। हमने इसलिए डाला नहीं लिया। दूसरी बात भाई जान, पीछे बैठ के आपने क्या कहा था, जरा कंफर्टेबल नहीं है पीछे बैठ के, आप ऐसे लग रहे हैं रक्षा में बैठे हो। जिनके पास डाला है वो माइंड ना करें, लेकिन ये कि मेरा माइंड सेट इस पे नहीं बना। उनको भी बता अगर जिनके पास डाला उनको बता। भाई इसकी जो बैक सीटें हैं वो इतनी अनकंफर्टेबल हैं, ये देख रहे हो, इतनी अनकंफर्टेबल, ऐसे कैसे आप रक्षा में बैठे हो। लॉन्ग ड्राइव कर ही नहीं सकते। हाँ जी लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकते। और जब मैंने इतने पैसे खर्चने हैं मुझे शशके ना मिले तो फायदा क्या। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सन्नाटा, कि सन्नाटा क्यों मिली। अच्छा जी वो आ गई अपनी बसंती, अंकल ने फुल कपड़ा शपड़ा चढ़ा के रेडी की दिया और ये आ गई जी आपकी सन्नाटा। सोनाटा क्यों नहीं ली, एक तो हमें आदत हो गई थी ऊंची गाड़ी चलाने की, अम्मा को भी आदत हो गई थी वीजल चलाने के बाद। भजन वीजल को क्या कहते हैं, क्रॉसओवर, और ये है सेडान। तो मैंने पहले सेडान ही चलाई है, लेकिन मेरा दिल था कि मैं ऊंची गाड़ी ही लूँ, ये बहुत सी गाड़ी है। सोनाटा मेरे बजट में भी थी, हम ले भी सकते थे, इंटीरियर पैनोरामिक रूफ कम्फर्ट लेवल हर चीज परफेक्ट थी, लेकिन मेरी अम्मा की ख्वाहिश थी कि मैंने ऊंची गड्डी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने ऊंची गाड़ी का इंतखाब किया और वो है हमारी गाड़ी। अब मैंने आपको वजूहात दोनों बता दी कि डाला क्यों नहीं लिया और हमने सन्नाटा क्यों नहीं ली। उसके बाद ये दो बच्चे बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि हमें व्लॉग में ले लो। क्या नाम आपका बच्चे, आपका, आप दोनों बहुत प्यारे हो, ठीक है, ले लिया व्लॉग में, लव यू मेरी जान। सन्नाटा और डाला ना लेने की वजह सिर्फ यही थी और कोई वजह नहीं थी, वो हमारी गाड़ी है। अंकल फ्री हो लें, फिर गाड़ी के ऊपर से ये उतार के कपड़ा आपको दिखाते हैं कि जी हमने क्या नया तीर मारा है, उम्मीद है आपको पसंद आए। A few moments later. Okay जी तो फाइनली अपनी न्यू गाड़ी आपको यहीं से पता लग गई होगी, है कि ये MG का यार MG का मोनोग्राम और ये बुक MG ये फाइल सारा कुछ सा। यार ये पहले बता दिया MG, अभी तो मैंने बारा ही नहीं कपड़ा। चलो कर दे दो कोई बात, थैंक यू सो मच। आप पहले ये दिखा रहे हैं ना लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच। अच्छा आपने इसका पूछना भी है अपने व्यूअर से, MG का मतलब क्या है पता सानू। मॉरिस गैरेज, ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू और आपका भी शुक्रिया। मौला नसीब में करे। अगर कार जोन यार ये सब के लिए ही ओपन है, कार जोन एक मोहब्बतों वाला शोरूम है, इदारा है, रजब फैमिली के लिए सुसी डिस्काउंट है ईद और रमजान शरीफ। सुसु डिस्काउंट, सुसी खसूसी, खसूसी कह रहे हैं सुसी डिस्काउंट, नहीं नहीं सुसी डिस्काउंट है वो। आप आए अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए गाड़ियां। हां जी मोस्ट वेलकम, जिन्हें प्रमोशन कर लिया मेरा पैसा वापस करो। अच्छा ये अनबॉक्स कर लिए गाड़ी, अनबॉक्स करिए।
तो पेशे खिदमत है आप सबकी न्यू कार MGHS, और इसको लेने की खास वजह यह है कि एक तो हमारी पहली वाली गाड़ी थी 15 मॉडल, 15 से हम आए डायरेक्ट 22 पे, ठीक है, और ये टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है, ठीक है, टर्बो शर्बो इसके अंदर जो सीन पार्ट है ना सारे भाईजान आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल सिर्फ इंटीरियर देख लो। आपकी रजब फैमिली को एक और जो सरप्राइज देना है जी, वो ये है गाड़ी से ज्यादा नंबर है जो। हाँ जी, अभी नहीं बताना मैंने, आप सारे सरप्राइज खुद ही रिवील किए जाए। इसका जो नंबर है ना उफ दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं ढकी चुकी बात भी करता ही नहीं, आपको नंबर दिखाऊंगा फिर आपको और अच्छी लगेगी गाड़ी। फिलहाल जो शक्ल सूरत है वो तो आप देख ही लें। अब यहाँ से हमने एक आगे जगह जाना है, वहाँ चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ के आपको शशके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह बात मदद, या अली मदद, या अली मदद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही मुहम्मद। चलो अच्छा जी, बस एक मिनट की ब्रेक है, पहले हाथ की जरा टैंकी फुल करवा लें, उसके बाद आपको अंदर बैठ के फीचर्स वगैरह बताते हैं और आगे हमने कहाँ जाना है वो भी बताता हूँ। की कर रहे हैं, केक नहीं कटे तू, केक ना लग जाने का आ रहा हूँ वापस। हाँ जाए काट, गजे काटना है, चल बस कर, किथे जाके रुकनी है। कितने लीटर की टैंकी है इसकी भाई? ये 12,000 वसीम अगे वसीम बड़े आनगे खाली वसीम। लो जी ये शक्ल याद कर लो, आपने स्पेशल जाके टिकटॉक पे सर्च करना है वसीम, ये शक्ल आ जाएगी, इसको वायरल करना आपने, सारी वीडियोस लाइक करनी है, कमेंट करनी है और फॉलो करना है, ठीक है। बहुत मेहरबानी, बढ़िया प्यारी अखियां तेरी माशाल्लाह। ओके मेरी जान, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरी जुल्फ़िकार हम कैसे भूल सकते हैं, और सैयद के हाथ से। अच्छा जी, जुल्फ़िकार लगाने के बाद सैयद आपको कुछ और भी दिखाएंगे। सैयद दिखाएं, बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी, ये देखें जी, आई नो यार आप सबने देखा होगा, आप सबके पास होंगी भी, लेकिन यार जब अपनी कमाई से आप शशका पूरा करते हैं ना तो आपका दिल राजी हो जाता है। आपकी पैनोरामिक, मेरी माँ ने सनरूफ मांगा था, पैनोरामिक दिया, और मेरी दुआ है कि मेरा अकेला अकेला सब्सक्राइबर यंगस्टर जो भी है जो मेहनत कर रहे हैं अपनी माँ की अपने बाप की ख्वाहिशात इसी तरह पूरी करें। भाई जरा शीशा भी खोल के दिखाएं, शीशा भी जरा खोल के दिखाएं ब्रो, ये इतनी खुशी मुझे इतने जाके उनमें नॉर्दर्न बाहर निकलना ना जदों आए 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 आए। अच्छा जी, अब जहाँ हम जा रहे हैं उसका हैदर को भी नहीं पता, आपकी लाहौर की दी बेस्ट ऑटो मॉडिफिकेशन कार सेंटर जो है ना, जहाँ पर गाड़ियाँ मॉडिफाई होती हैं, वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये नई नई है, मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा कर दूंगा। जब ये 10-15 दिन मैंने चला ली ना, फिर मैं वॉश भी नहीं करा, मुझे पता है ना, तो हमने गाड़ी के 2-4 काम करवाने हैं, हम गाड़ी वहाँ देने जा रहे हैं, रिक्वेस्ट उनसे करेंगे कि हमें आज या कल गाड़ी दे दे, जबकि मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि काम थोड़े से बड़े हैं और एक्सपेंसिव हैं, तो कोशिश करेंगे आज मिल जाए वरना कल मिल जाए। चलते हैं, आपको भी जाके दिखाते हैं, जैसे ही वो हमें गाड़ी देंगे फिर हम अम्मा को और गजल को और सारी खालाओं को सरप्राइज देंगे, बाबा को भी तभी सरप्राइज देंगे। अभी चलते हैं, आपको जाके वहां पर दिखाते हैं हमने गाड़ी का काम क्या क्या करवाना है। यार अंकल बारबी डोल वाले काम पता नहीं क्यों करते हैं, गुब्बारे लाते हैं, रिबन शिबन लाते हैं, यार का प्यार है, आपको चाहते हैं वो जन्मन बाद अंकल का प्यार है जी, लव यू अंकल को, बाकी ला दो जाके गुब्बारे भी छोड़ दो, रिबन रुबन भी ला दो। अच्छा जी, दो जरूरी बातें, पहली जरूरी बात तो ये कि मेरी आदत है, जब मैं आईफोन का मुझे क्रेज था, गाड़ियों का भी क्रेज है मुझे, लेकिन इतना नहीं होता, मेरा काम चल जाता, आईफोन का मुझे बहुत क्रेज है। मैं जब जॉब भी कर रहा था ना तब भी मैंने छोटा फोन लेना, अगली सैलरी आनी उससे ऊपर अपग्रेड कर लेना, 4-4 पैसे डाल के मैंने चीज को अपग्रेड करते रहना, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि आपका एसेट इसी तरह से बनता है, अगर आप कहो कि एक ही बार पैसे जोड़ के इकट्ठी चीज लूंगा तो वो टाइम नहीं आता, आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना तो ये काम निकल आया, वो खर्चा आ गया, फलाना खर्चा, ढिमका खर्चा, चीज नहीं बनती। आपको भी मशवरा है कि थोड़े पैसे लगा के छोटी चीज से स्टार्ट करके अपनी जो बड़ी एसेट है वो आपने बना लेनी है। दूसरी बात ये कि अल्लाह पाक ने गाड़ी दी, अभी आंखें मेरी ऐसे हैं, ठीक है, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि मेरी आंखें हमेशा जमीन पर रहें और माथा भी जमीन पर ही रहे, गाड़ी चाहे जितनी मर्जी ऊंची आ जाए, ताकि जितना आपका जो पेड़ है वो झुका होगा आपको फल उतना ज्यादा लगेगा। जब आप ऊंची गाड़ी में बैठ जाएं और आपकी आंखें माथे पे लग जाएं, नीचे वाले बंदे को आप बंदा ना समझें, तो फिर वो टाइम थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक है, हर अरूज को जो सवाल है ना वो इसी वजह से आता है। तो अल्लाह पाक ने अगर आपको ऊंची जगह पे बिठाया है तो अपनी आंखें हमेशा नीचे रखें, ताकि आपका जो सवाल है वो ना आए, आपका अरूज ही सदाबहार रहे। चल भाई बसंती अंकल जी बचना, ओके थैंक यू। ये गई जी अपने नए घर फॉर फ्यू डेज, आए ऐसे रख। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, तबीयत से ठीक है? नाइस है ब्रो, बड़े प्यारे लगते मुझे यार, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान ये नई गाड़ी ली है,
व्लॉग अगर देखा हो तो बिल्कुल देखा है। बड़ा अपग्रेड मारा। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। अच्छा जी, ये गाड़ी है अभी नई नई है तो मैं थोड़ा सा खर्चा कर लूंगा, बाद में कोई खर्चा नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर काम है आपने पीपीएफ करना है। पीपीएफ क्या होता है जरा ऑडियंस को भी बता दें। पीपीएफ ये एक्सप्लेन करेंगे, बताएं जरा हमदा भाई। बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो गाड़ी के ऊपर अप्लाई करती है रगड़े रुकने से बचाने। हाँ जी, रगड़े रुकने नहीं लगती, हल्की फुल्की रगड़ लग भी जाए तो वो सेल्फ हील होती है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद भाई जान ये वाला शीशा, साइड वाले शीशे, ये सारे काले करने हैं। साइड स्टेंट करने के बाद इंटीरियर डिटेल होना है। वैसे तो सारा साफ है लेकिन आपके पास आया तो एक बार कर देना। और मुझे सबसे जो मेजर बात वही है कि बताएं गाड़ी मिलेगी कब? गाड़ी आपको मिलेगी जब है दो से तीन दिन ना, ज्यादा टाइम है। मेरी बात सुनो, टाइम ज्यादा है, अम्मा को सरप्राइज देना। इतनी देर तक ये व्लॉग होल्ड नहीं होना, अम्मा ने ये व्लॉग देख लिया तो सरप्राइज इसी पर आएगा। गाड़ी भेजेंगे वीआईपी करके, वीआईपी करके भेजेंगे, लेकिन अम्मा को सरप्राइज पता लग जाएगा गाड़ी ये ली है। तो जितनी जल्दी हो सकता है गाड़ी जाने वो कर दो। ठीक है, फोन कर देना, कोई बात नहीं, देख लो। ठीक है, मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा घर के पास, कौन सा दूर है। ठीक है, बाकी ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है यार आप लोगों की। डैब सारों ने हैं, कॉस्ट्यूम पहने अपने, माशाल्लाह बहुत प्यारे भाई हैं आप। इसी तरह प्यारे प्यारे हाथ लगाना गाड़ी को। ठीक है, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। अच्छा ये है ना, ये भी पीएफ है। हाँ जी, जबरदस्त। अच्छा जी, व्लॉग अभी यहाँ पर एंड नहीं होता, एक और थ्रिल बीच में है। हमारी सवारी आ गई है, दिखाता हूँ आपको। ओके मेरी जान, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय। ओके हमदा भाई, अल्लाह हाफिज भाई। ओके मेरी जान, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, देखिए ये रही जी हमारी सवारी। हैदर और मैं इस पे जाएंगे अब घर, और जाके अम्मा का रिएक्शन नोट करेंगे। अम्मा को कहना क्या है आपको अंदर बैठ के बताता हूँ, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब अम्मा को जाके हमने ये फिल्म डालनी है कि अम्मा जी गाड़ी को भी सेल कर दी है, क्योंकि वो गाड़ी थोड़ा सा तंग कर रही थी। अंकल ने कहा बच्चे गाड़ी वापस दे दे, मैं तुझे दो तीन दिन में गाड़ी नहीं ढूंढ दूंगा कोई ना कोई, इंशाल्लाह। ठीक है, बड़ी बड़ी फिल्म है यार। अब भाई अब जाके क्या करूँ, दुकान से बता दूँ कि ये गाड़ी है, गाड़ी तो अभी आई नहीं। जब तक गाड़ी आएगी नहीं तो सरप्राइज कैसे देंगे? बड़े बड़े मिशन पे चले हैं अब भाई, मिशन पे जा रहे थे। मिशन ये था कि हमने गाड़ी चेंज करनी थी, लेकिन हमारे बजट में गाड़ी कोई आई नहीं, हम बेच आए हैं। अंकल दो तीन दिन में, कितने दिन भाई, दो तीन दिन में अंकल गाड़ी ढूंढ देंगे, हम गाड़ी ले आएंगे। चलो ठीक है ना, राम लाल सरकार है, राम लाल। चलो जी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, थैंक यू। ओए अम्मा साहब बारिश होते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, दिल कर रहा था मेरा, गाड़ी का गाड़ी अंकल को देके आया हूँ। आपको बता रहा था ना, एक मिशन के तहत जा रहा हूँ, गाड़ी थोड़ा सा तंग कर रही थी, मैंने आपको बताया नहीं। मैंने कहा दे आता हूँ, पानी क्यों जाया कर रहे हो? मैंने कहा दे आता हूँ, अंकल से कहूँगा अपडेट कर दे, कोई और दे दे। अंकल कहते बेटा अभी आपके बजट में गाड़ी कोई और नहीं आ रही, आप थोड़ी देर वेट कर लें, तीन चार दिन आपको अच्छी गाड़ी ढूंढूंगा इंशाल्लाह। वो भी दे दी। हाँ तो अब वो तंग कर रही थी ना, तो क्या करता, क्या हो गया? टिकटॉकर नहीं हूँ जी, मैं यूट्यूबर हूँ यार। मम्मा आप बाग बाग के अंदर क्यों जाते हो यार, मेरे शूज क्यों स्लिप हो रहे हैं? मम्मा बाग बाग के अंदर क्यों चले जाते हो यार? मां जी यार क्या करूँ, वो भी लेके आ गया, रिक्शे में आया तू तो आ जाएगी वापस, क्या हो गया? रिक्शे में बंदे नहीं आते, हद हो गई है। जब आ जाएगी देख लूंगी मैं। यार मम्मा टेंशन ना लिया करो, गाड़ियाँ बड़ी आ जाएंगी, इजी हो जाओ, गाड़ी आ जा, मेरा दिमाग ना खराब कर, तेरी बड़ी मेहरबानी। ले मम्मा आ जाएगी, क्या हो गया, तीन चार दिन वेट कर लो। यार गजल देख ला यार, मम्मा गाड़ियों के पीछे मेरे से लड़ती है यार। तो ये यार इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। ओए अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ, हर वक्त खाती रहा करो तुम, आओ जान बाहर आओ, बाहर आओ, खड़ा करो। यार क्या आपने एग्जाम में डाला है, बता दो उनको भला। यार दस दिन नमक ही हो गया, सबर कर ला है भाई, एंड कर रहे हैं। अम्मा को इंशाल्लाह परसों की डेट में सरप्राइज मिल जाएगा, और अम्मा का गुस्सा ऐसा शदीद मजेदार ठंडा होगा कि आप लोग देखते रह जाओगे और राजी हो जाओगे कि हाँ भाई अम्मा को सही सरप्राइज दिया। अभी बता दिया तो सरप्राइज का मजा खराब हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इंशाल्लाह परसों तक हमारी गाड़ी मिल जाएगी, आप लोगों को पहले दिखा दिए, देख रहे हो ना, अम्मा को इंशाल्लाह परसों दिखा देंगे। चलो चलो ना, चलो जसूस दो अम्मा दे, बताना ना अम्मा को, बता रहा हूँ मैं, इनको हर चीज का पता है, आपको भी पता है कि इनको पता है। ठीक है जी, व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको गाड़ी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है भाई को कलर अच्छा लगा है या नहीं, इंटीरियर कैसा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।